कंसल्टेशन भी की और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी किया है। और ये आपने देखा जो पीछे फैसला लिया था सरकार ने धान का 50% कई ब्लॉकों में अभी उनके नहीं बोएंगे कुछ प्रोत्साहन दिए थे, ये समय नहीं था। उस समय भी कहा था तो फैसला लिया, ये समय ये फैसला लेने का नहीं है। खैर वो फैसला वापस सरकार ने लिया है उसका मैं धन्यवादी हूं, गलत फैसला था, फैसला वापस लिया, फैसला लेना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो फैसला ले लिया। लेकिन एक फैसला और अभी बीच में लटका दिया, पंचायती जो ब्लॉक पंचायती जमीन है उसके लिए, अरे हाथी निकल गया है, पूछ क्यों पकड़े बैठे हो तुम। ये भी पंचायत के भी जो लागू शर्त लागू की है ये भी तुरंत इनको वापस करनी चाहिए, क्योंकि आधार तो पहले फैसला लेने का आधार बताया तो उन्होंने बताया था कि डार्क जोन की वजह से उनको खत्म करने के लिए हम फैसला ले रहे हैं। तो डार्क जोन खत्म करने के लिए खासतौर पर इस इलाके के लिए तो दादूपुर जमीन जो है 450 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार खर्च कर चुकी थी, उसको क्यों उसने उन्होंने वो किया, वो कैंसिल ही कर दी। ये पहली सरकार होगी पूरे देश में जिन्होंने वो कैंसिल की। अगर रास्ता परियोजना बनानी चाहिए जो डार्क जोन उभरे, जैसे ये आपके दादूपुर नलवी नहर वो खोदो, ड्रेनों में पानी भरो। हमारे समय में जो वो राक्षसी नदी थी उसको हमने पुनर्जीवन किया, खड नाला को किया, और बहुत सारे जो वाटर रिजर्व्स हैं जैसे बीबीपुर लेक का हमने काम शुरू किया था, वो बनेंगे सरस्वती हम विवाद लेके गए, कोटला झील हमने मेवात में खोदी और सरसा में ओटो झील खोदी ताकि वहां रिजर्व बने। पानी है, बारिश का पानी आता है, उसको कहोगे नीचे तक रिसाओगे तो वाटर टेबल अपने आप ऊपर आएगा। लेकिन 6 साल में सरदार का कोई कदम नहीं उठाया, उनके दादूपुर मंडली को वापस किया। आज भी मेरा सरकार से यही आग्रह है कि लंबे समय तक मानसून चलने वाला है, आपके जो आए हैं प्रिडिक्शन वो आपके ज्यादा लंबे समय तक मानसून चलेगा, तो इसमें ड्रेनों में पानी भर के रखे, जोड़ भरे और जो भी परियोजनाएं बनाए वो सरकार प्रिकॉशन ले और पंचायत की जमीन के ऊपर भी वो कंडीशन ना लगाए। है गेहूं की खरीद हुई और जिस प्रकार से खरीद में जो समय लंबे चला और आज तक भी किसान को 25-25 दिन पेमेंट नहीं मिली। मेरे पास टेलीफोन आते हैं किसान, आपने कहा था शुरू में आग्रह किया था कि इस बार सिस्टम ये मत बदलो, जो सिस्टम है वो चलने दो, आड़ती और जो किसान का रिश्ता है वो इस समय तजर्बा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे तकलीफ हुई आज किसान को तो 25-25 दिन तक आज पेमेंट नहीं मिल रही, पर जो आड़ती से किसान पैसा ले लेगा उस पर तो ब्याज देगा तो कौन उसका भरपाई करेगा, सरकार को ये ज्ञान नहीं। इसी प्रकार से आड़ती भी परेशान है, मेरे पास शिकायत आती है जब आज जो है खरीद कोई 74 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीद कर चुकी है लेकिन 20 लाख मीट्रिक टन आज भी मंडियों में है जो लोडिंग नहीं हुआ है। क्यों? और लोडिंग में भी क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे आड़तियों ने मेरे को कंप्लेंट की, इस बार की मैं जांच की मांग करता हूं। जब अनलोडिंग के लिए गोडाउन में जाता है तो फूड एंड सप्लाई महकमे के जो भी है वो 10 रुपए कट्टा या 20 रुपए कट्टा की मांग रखते हैं, पर की मांग लग जाते हैं। तो इस किस्म का है आज जो आज भी मौसम कैसा खराब हो रहा है, जो मंडी में गेहूं खराब हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवारी, लिफ्टिंग नहीं है। 20 लाख मीट्रिक टन भी अब तक लिफ्टिंग नहीं हुई है। इसी प्रकार से ये क्राइसिस का समय है, नौकरी निकालने का समय नहीं है। आज भी अखबार में पढ़ रहा था होम गार्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनको निकाला जा रहा है, कहीं टूरिज्म के एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रेक्चुअल को निकाला जा रहा है। आज तो नौकरी देने का समय है,
आज अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 43% अप्रैल के महीने में पहुंची है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। बिहार के बाद शायद इनका हरियाणा का नंबर है, 28% से 43% पहुंची है। और अभी कोई देख नहीं रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आती नजर नहीं आ रही है। सफाई कर्मचारी हटा दिए, और जो सिलेक्शन हुए हैं, जो तीन चार साल से पहले सिलेक्ट करके इंटरव्यू हो चुका है, उनको कैंसिल करने की सोच रहे हैं। जैसे संस्कृत के टीजीटी टीचर हैं, उनका तो ज्वाइनिंग बाकी था। इंग्लिश के टीजीटी टीचर हैं, कैसी बहुत से रिपोर्ट है जो सब इंटरव्यू वगैरह फाइनल हो रहे, नौकरी देने की बजाय नौकरी निकाले, जैसे जैसे उन्होंने साहब ने कहा। ये सफाई कर्मचारी तो कोरोना के योद्धा हैं, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको निकाले जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे समय में पीटीआई लगे थे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने पूरी तरह कार्रवाई नहीं करी उनकी, और उनके खिलाफ जो फैसला आया है, अब सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, अपनी लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हमारे समय में चौटाला जी के टाइम में 4000 के करीब MITC के वर्कर निकाल दिए थे हमने लगाए, गेस्ट टीचर जो हमने लगाए, कोर्ट ने फैसला कर दिया था, आज तक कोई नहीं हटे, उनका रोल ही रोल करता है। इसी तरह ही PTI का इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरा, जो ये लॉकडाउन का और जो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर, किसान पर, जो दिहाड़ीदार है उन लोगों पर पड़ा है। जैसे या छोटा दुकानदार है या छोटा उद्योग धंधा है, छोटी दुकान है, कोई बार्बर शॉप है, कोई जूते का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई थ्री व्हीलर कर्जे पे लेके थ्री व्हीलर चलाता है, ऐसे लोगों पर जो दिहाड़ीदार थे उनके ऊपर असर पड़ा है, तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सरकार मदद करनी चाहिए। और कम से कम शुरुआत जो है, छोटे दुकानदार को और गरीब आदमी को राहत के रूप में कम से कम 300 यूनिट तक का बिजली का बिल तो माफ करना चाहिए। 3 महीने का दुकान बंद है उसके लिए, उसका बिजली का मीटर चल रहा है, कहां से गरीब आदमी। और भी मदद करनी चाहिए, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है, किसान की मदद करनी चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्याय योजना चलाई है, 5,700 करोड़ रुपया किसान को सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की बात कही है। तो ऐसी कोई ना कोई इनको करें। MSME जो है, अब पानीपत का हाल देखो, यमुनानगर प्लाईवुड की इंडस्ट्री खत्म है, पानीपत का टेक्सटाइल खत्म है, मानेसर बंद है, आज फरीदाबाद का बुरा हाल है। कहीं भी देखें, जहां भी इंडस्ट्रियल टाउन है, जो हमारे मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर, वो चले गए, कारीगर मिल नहीं रहे, बड़ी तकलीफ है, उनकी सुविधा देनी चाहिए। कम से कम जो है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनका इस पीरियड का ब्याज माफ करना चाहिए, ब्याज सरकार को करना चाहिए, ताकि अगले आगे दिन जाकर वहां से अपनी कार्रवाई शुरू कर सके। हम मान लो, जैसे मेरे को पता नहीं है, वो बताएंगे, बहुत सारे होटल उद्योग में बिजली में फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस लेते हैं कि उद्योग चले ना चले। अरे जब उद्योग चल ही नहीं रहे, होटल चल ही नहीं रहा, तो फिक्स चार्जेस तो मत लो, जितना असली है वो लगाओ। तो इस किस्म से बहुत सारे तरीके हैं जो राहत देने का काम है। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हरियाणा सरकार ने कोई ऐसा कोई कदम उठाया नहीं, कोई ऐसा राहत देने का कार्य किया नहीं जो डायरेक्ट उनको वो मिले। आपने देखा, बेरोजगारी जैसे निपटा रहा, 43% बढ़ गई, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना है। और इस दौरान जो घोटालों की चर्चा हुई है, वो आपके सामने है, शराब घोटाला है। सरकार, अब देखिए, शुरू में हमने कहा था कि शराब बंद कर दी जाए, शुरू में जब पहली मीटिंग में सभी दल के नेताओं ने कहा था,
मैं किसी का दोष रोपण नहीं करने आया हूं आज, लेकिन मैं बता रहा हूं तथ्य, तो वो नहीं हमारी बात मानी गई। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद जब WHO ने और केंद्र सरकार ने पूरे देश में शराबबंदी की तो यहां लागू की गई, और उसके कुछ दिन के बाद जब खुला तो आपने कुछ टाइम देखा दिल्ली में ठेकों पर कितनी लंबी लाइन थी, ठेके बंद करने पड़े, वहां पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह यूपी में था जहां पे भी खुली, लेकिन हरियाणा में कहीं लाइन नहीं लगी। ये क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि यहां शराब की तस्करी होती रही, इस वास्ते लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी, शराब यूपी में बिकती रही। आज भी जो है आप जाओ ठेकों पर रेट लिस्ट ही लगी हुई, रेट लिस्ट लगनी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है कोरोना टेस्ट लगाया 10 से लेकर 50 रुपए तक बोतल पे, लेकिन वसूली जो है वो तो 200-200 रुपए बोतल ज्यादा हो रही है, 400 रुपए ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट नहीं है वहां, ये कोई है नहीं, कोई मतलब कोई चेक नहीं है, तो ये क्या कारण है? तो आज ये है शराब का घोटाला खुला। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि भाई हम SCT बनाए, SIT बनाए, किस अधिकारी को लगाए, अब तक ये फैसला नहीं हुआ। तो अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट दे देता था, लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसको किसका बचाव करना चाहते हैं? ये सही जांच करें, सही जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ या हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच, ताकि सही पता लगे कि इसमें क्या है। अब फूड एंड सप्लाई में देखो, अब मेरे को पता नहीं, शिकायत मिली है मेरे को, वो ठीक है, गलत है, जांच करना सरकार का काम है। जो राशन में चना दिया गया काला चना 1 किलो दिया, वो 74 रुपए प्रति किलो खरीद की गई गवर्नमेंट से, जबकि बाजार में 36 रुपए किलो है। 1 किलो पर इतना क्या है? ये कौन किसने क्या किया है? इसकी जांच कराए, इसकी रिपोर्ट मांगे, सही तय तक इस पर पहुंचना चाहिए। ये मैं कहा, और किसान का जैसे मैंने कहा पेमेंट गेहूं की, गन्ने की पेमेंट देख लो। अरे किसान तो पहले ही आफत आई हुई है, 1 करोना की वजह से उसमें गेहूं की खरीद ठीक नहीं हो रही, गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही, आगे अब खतरा टिड्डी दल का भी है। उसकी क्या तैयारी कर रखी है हरियाणा सरकार ने? आया ट्रैक्टरों में उसमें क्या है कि क्या है, अगर वो टिड्डी दल आता है तो बड़ा भारी नुकसान होता है, उसके बचाव के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। और एक जो कह रहे हैं कि जल स्तर बढ़ना चाहिए, उसमें अंडर पाइप वो खरीदी जाती थी, उसमें सब्सिडी दी जाती थी, 6 एकड़ तक की जो अंडर पाइप दिया जाता था 60,000 रुपए दिया जाता था। इस सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया, वो 4 दिन खोलकर करके उसकी सब्सिडी बंद कर दी। अरे जल स्तर ऊंचा करना है तो अंडर पाइप की सब्सिडी आप चालू रखो, उसकी सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी। खैर ये प्रसिद्धि है, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आज पूरा देश और हमारा प्रदेश बहुत संकट में है आर्थिक तौर पे। जो GDP 2019-20 में 4.2 ही, पहले इतनी नीचे 11 साल में सबसे लोएस्ट में आ गई थी 4.2, और अब जो ये आपका क्वार्टर गया है जनवरी से मार्च तक उसमें 3.1% है, लेकिन इस साल में आप देखेंगे डिप लेगी ये 5 से 6% तक, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसका मतलब ये है कि इस साल के अंत तक तो GDP जो है नेगेटिव में जाएगी 1.5% से लेकर 3% तक जाने का खतरा है। कोर सेक्टर की प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया सारे इंडस्ट्रियल में पूरे देश में और हरियाणा में खासकर जो इंडस्ट्रियल हुआ है यहाँ पर, कोर सेक्टर की प्रोडक्शन 38% तक कम हुई, 38% फॉल आया है
और आगे आ ही रहा है, तो ये आपको देखना है, इसमें बहुत सारे इशू है। जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहिए था गरीब आदमी के लिए, उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। जो लघु उद्योगों को मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। जो दिहाड़ीदार की मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जो माइग्रेंट लेबर्स, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये मैं तो आपका अखबारों में खबर पढ़ता रहा, टीवी पे देखता रहा, अवमानीय व्यवहार भी हुआ उनसे। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को इस बात का गर्व भी है और पूरे हरियाणा के लोगों को मैं शाबाशी भी देना चाहता हूं। हरियाणा में कोई भी भूखा नहीं मरा, भूखा नहीं रहा, और उसका श्रेय एनजीओ को, प्रदेश के लोगों को है। जो क्योंकि हर शहर से मेरा संपर्क रहा, हर रास्ते से मेरा संपर्क रहा, तो वहां के लोगों ने, एनजीओ ने कितनी मदद की, कोई हरियाणा में भूखा नहीं रहने दिया, ये मैं हरियाणा के लोगों की वो करता हूँ। और दूसरा, जिस प्रकार से अनुशासित उसमें रहे और जो रोक लगाए रखी बीमारी की, इस बात के लिए भी मैं हरियाणा के लोगों को श्रेय देता हूँ। क्योंकि गांव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मैंने कहा, गांव में भी इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते थे, कहीं नहीं देखेंगे, बल्कि टीकरी पहरे लगा दिए गए गाँव में। तो इस प्रकार से बचाव रहा है। मेरा लोगों से यह अपील है कि आगे भी इसी प्रकार से सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी बीमारी से ये लड़ाई हमारी लंबी है, सबको मिलकर लड़नी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ आया आपका, क्योंकि उस दिन मैंने कह दिया था पहले मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊंगा, हालांकि ये 8 तारीख तक बढ़ गया, लेकिन बस मैं आपसे यहाँ पर आया हूँ इसी वास्ते। हालांकि शुरू में बहुत सारे साथियों ने भी सवाल पूछा था मेरे से कि बहुत सारे मंत्री सरकार के और मंडियों में जा रहे थे, तो मेरे से पूछा था कि आप भी मंडी में आओगे क्या। मैं नहीं आऊँगा, मैं अनुशासन पालना करता हूँ। मैं अपनी वजह से, अपने राजनीतिक लाभ की वजह से लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। जहाँ मैं जाऊँगा भीड़ होगी, आप उसमें संक्रमण बढ़ेगा, तो ये मैंने पहले दिन कहा। इसी वास्ते आज भी मैं, क्योंकि मैंने कह दिया था मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊंगा, इस वास्ते मैं आया हूँ। और आप मैं जरूर रूप शायद पहली पूरी अर्थव्यवस्था की बात चल रही है। हरियाणा में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जो सरकारी अधिकारी हैं उनको 20-20 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिली, तो आगे भी क्या स्थिति रही? देखिए, मैंने यही कहा आपको, जब पहले दिन मीटिंग हुई उस समय कहा गया कि भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि जब तो शुरू हुआ था, 6 साल तक की आर्थिक स्थिति कहा गई, 60,000 रुपया कर्जा, 60,000 करोड़ का कर्जा था जब मैंने सरकार छोड़ी, और आज उस टाइम 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया था। इस बात की मैं बाद में चर्चा करूंगा, ये समय नहीं है, ये समय उस चीज का नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई ये आर्थिक स्थिति नहीं है, इस वास्ते कंट्रीब्यूट करो, जैसे हमारी सबकी तनख्वाह 1-1 महीने के लिए 30% हमारी तनख्वाह 2 साल के लिए काट दी, एम्प्लॉयज की बात हुई, मरगा उनसे बात कर लो, इस प्रकार से आर्थिक इन्होंने स्थिति मजबूत हो। विधायकों की जो 5-5 करोड़ रुपया सालाना थी वो भी उन्होंने कह दिया भाई हम इसमें लगाएंगे, इस प्रकार से हो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई, मैंने ये कहा कि भाई ये ऐसा समय है, क्राइसिस का समय है, सबकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप हम पहले आर्थिक स्थिति सुधारे, नहीं तो कर्जा लेना पड़ेगा हमारे को, कर्जा ले लेंगे तो उल्टा साहब जो है वहाँ कर्जे की सवाल कहेंगे। मैंने उस टाइम भी ये कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई के लिए आप कर्जा लो, मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन उससे पहले और बाद में जो लिया है वो उठाऊंगा, मानने के बाद आगे बहुत समय है प्रदर्शन करने का भी, विरोध करने का भी, लेकिन इस लड़ाई में मैं नहीं उठाऊंगा। तो इन्होंने कर्जा 3-4 बार ले लिया,
तो फिर भी आप लंच की तनख्वाह नहीं दी, तो इस बात के लिए मेरे को बड़ा हैरानगी की बात है। मेरी बात हुई थी और उन्होंने अनाउंस किया था, मेरी बात पर उन्होंने कहा, मीटिंग में कहा था कि ग्रीन कार्ड जो कहते हैं ग्रीन कार्ड, हरे कार्ड वालों को हम राशन देंगे। ठीक है, मैंने कहा दो, जैसे मान लो कोई थ्री व्हीलर वाला है वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो गया, उसका अब तो नहीं कमाई उसकी, अब तो कमाई मिडिल मैन सारा, जो जिस सामर्थ्य है जिसका वो कोई राशन देने नहीं जाएगा। तो इन्होंने वायदा तो किया था, अब किसका इम्प्लीमेंटेशन, कोई मैं कह रहा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज समय है मदद करने का, देना चाहिए। हमने कहा था उसी समय इस बात को माना गया था, और ये बहुत आप देखेंगे कि बड़ा भारी घोटाला निकलेगा ये वन बाई वन। फैसला किया था कि भाई रोडवेज के जो वो जाएगी बसे छोड़ दे जाएगी श्रमिक मजदूरों को, लगा वो भी तो अपनी जान जोखिम में डाल के जाएंगे, इनको भी वही स्टेट मिला। क्यों छोड़ के जाना पड़ा, इसकी जान तो नीचे। हुड्डा साहब 27 मई को आपने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था दान जो पाबंदी फैसले पर, उसको सरकार ने वापस ले लिया है, दिया है, लेकिन थोड़े से मैंने कहा था हाथी निकल गया, पूंछ पकड़े बैठे, दूसरा वही उन्होंने पूंछ को भी छोड़े पंचायती जमीन, दूसरा जो प्रमाण जारी किया कि पंचायती भूमि है, दूसरा प्रमाण जो पंचायती भूमि है उस पर दान की रफाई नहीं कर सकते, उसको लेकर आगे आपकी क्या रणनीति है? मैं तो यही मांग करी है, वही मैं कह रहा हूँ भाई, हाथी निकल गया पूंछ पकड़ के ना बैठे पंचायती जमीन को भी, तो इसका क्या विरोध, क्योंकि ये बड़ा भारी वो है, विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल फैसला लेना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी कोई बोली नहीं देगा, जो बोली देगा क्या करेगा, वो गरीब आदमी है और अब कोई समय नहीं है दूसरा फसल बोने का। कल कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बड़ा पप्पू और रणदीप सुरजेवाला को छोटा पप्पू बताया है, और कहा है रणदीप सुरजेवाला को कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है, उसने टोटल अपने टेन्योर में देखिए मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूँ ना, और उम्मीद रखता हूँ कोई जिम्मेवारी स्थान पर बैठे उसको भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए ऐसी। आपने पानी की किल्लत को लेकर उल्टा साहब बात करी थी सरकार की, अक्सर हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार की स्पेशली बात कर रहा हूँ, योजनाएं चलती है मेरा पानी मेरी विरासत, आपके फरीदाबाद एनआईटी से विधायक है नीरज शर्मा हल्के के कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कल परसों प्रदर्शन भी करा है पानी के अगेंस्ट की जो किल्लत हो रही है, और दूसरा निकासी को लेकर सरकार कहती है कि वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं निकासी की और पानी को सेव करने की, आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार फेल है? ऐसा है बिल्कुल, जो रेनी वेल स्कीम चलाई गई थी फरीदाबाद पानी के लिए वो भी पूरी सुचारू रूप से चल रही, निकासी की जो स्कीम चली थी वो ठप हो गई, आपके आपको क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ होगा, पारदानी जो कोई स्कीम नहीं आती दिखी आपको, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पूरे पत्रकार बंधु हैं, पिछले से साल में कोई कुरुक्षेत्र में अरोड़ा साहब बता दें कोई नई स्कीम आई है इनकी, नहर बना रहे थे दादूपुर नहर खुद चुकी थी 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे वही बंद कर दी, और काम उम्मीद रखते, लेकिन मैंने कहा कि ये काम लड़ाई के बहुत समय है मेरे पास, अब तो मैंने कहा था।